बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहां पर तमाम दिशा निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिए थे। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि जहां पर शिक्षकों की बिहार में कमी है, जहां पर अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है, शिक्षक जहां नहीं होते हैं, उसको लेकर उन्होंने तमाम निर्देश दिए थे। और उनका साफ कहना था कि बिहार में शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द कराई जाए। वहीं बता दें आपको कि जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर ट्वीट किया, और उसके बाद उन्होंने उस ट्वीट में लिखा, आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं तय समय सीमा के अंदर चरणबद्ध तरीके से अविलंब शिक्षकों के 2,00,000 रिक्त पदों पर बहाली करने का निर्देश दिया गया है, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कोई दिक्कत न हो। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर ट्वीट कर यह कहा कि 2,00,000 रिक्त पद जो हैं उसको भरा जाएगा, शिक्षकों की बहाली होगी। और कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखा दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि शिक्षकों की बहाली जो है वो की जाए, जहां पर अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है, शिक्षक जहां पे नहीं होते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती, जिसको लेकर तमाम बातें भी नीतीश कुमार ने कही थी। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि बिहार में शिक्षकों की कमी है और शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। 2,00,000 पद जो है, जो रिक्त पद है 2,00,000, उस पर शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया और ट्विटर पर यह साफ लिखा कि शिक्षा विभाग की समीक्षा की आज मैंने, शिक्षकों की खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया, ताकि छात्र छात्राओं के पठन पाठन में दिक्कत न हो। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा इसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में जो निर्देश उन्होंने दिया, ताकि छात्र छात्राएं इसका लाभ उठा सके। देखिए, नीतीश कुमार ने भी यह ट्वीट किया और ट्विटर पर यह जानकारी दी कि जो रिक्त पद हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के रिक्त पद हैं, उसको भरा जाए जल्द से जल्द, अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो पठन पाठन में, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने भी ट्वीट किया। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। देखिए, आने वाले दिनों में बिहार में शिक्षकों की बंपर बहाली होने वाली है, 2,00,000 पदों पर बहाली होगी, क्योंकि ट्विटर पर ट्वीट कर यह जानकारी तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिया है। वहीं नीतीश कुमार ने भी यह साफ कह दिया है कि शिक्षकों की बिहार में बहाली जल्द से जल्द कराई जाए, जहां पर अभ्यर्थियों को दिक्कत होता है पठन पाठन में, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने तमाम दिशा निर्देश दिए, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल बैठक बुलाई गई थी। बता दें आपको कि संकल्प एक अन्य मार्ग स्थित जो है बैठक बुलाई गई थी, जहां पर नीतीश कुमार मौजूद थे, नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बैठक हो रही थी, जहां पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह समेत जो है बिहार के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर बने, इसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं, और शिक्षकों की जल्द से जल्द बिहार में ज्यादा से ज्यादा बहाली होनी चाहिए, 2,00,000 रिक्त पदों पर बहाली जो है वो होनी चाहिए, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। उनका साफ कहना है कि 2,00,000 शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC24 मीडिया के साथ। अगर ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।